जेबी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल श्रीमान दीपक जी शेरावत साहब से निवेदन करूंगा, ये आज प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है उससे अपने विचार रखें और उनमें किस तरह प्रोग्राम रहता है प्रांगण क्षेत्र में, क्षेत्रीय प्रांगण क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है, तो शेरावत साहब आपने विचार देना है। सबसे पहले तो मैं आंचलिक शिक्षा समिति की तरफ से आप सबका इस प्रांगण में स्वागत करता हूँ। इतना बढ़िया कार्यक्रम हमारे यहाँ आयोजित हुआ और मैं ऋणी भी हूँ कि इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, क्योंकि इससे पहले हमारे यहाँ छोटे मोटे कार्यक्रम होते रहते हैं पर इतनी बड़ी मात्रा में और इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे यहाँ होता है मुझे भी ऐसा नहीं लगा, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। श्री पुरी जी सर, सम्मान सर, जिन्होंने अपना समय निकाल के यहाँ हमारे स्कूल में भी आए, इसी बारे आपको हमारे स्कूल प्रांगण और आसपास के क्षेत्र से भी अवगत हो और असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो भी यहाँ है हमसे में, क्योंकि हम यहाँ आते तो हम सर्वे करने के लिए जाते हैं और जो ये लाल मकड़ी क्षेत्र है या आसपास का जो जुड़ा हुआ हमसे लगा हुआ जो क्षेत्र है वहाँ लगभग काम करने वाले जो लोग हैं वो असंगठित क्षेत्र से ही हैं, तो हमारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनसे लगा या फिर ये कि ये संबंध आगा ही है और हम भी इनको बता दें कि आरटी के अंतर्गत आपके बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ सकते हैं, तो आप आरटी का फॉर्म भरिए, सेतु पे जाइए, इस प्रकार की जो सुविधाएँ हैं आप ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंतर्गत होती भी हैं। और सही कहें तो कोरोना समय में लगभग असंगठित क्षेत्र और कई माने कई व्यापारी भी इस बेरोजगारी और सारी समस्याओं से जूझते हुए हमको बता सकते हैं कि हाँ हाँ काफ़ी बच्चे जो हमारे यहाँ से निकल जाते हैं नौकरियाँ छोड़ छोड़ के या फिर उनके रोजगार अगर बंद हो गए हैं या जब नहीं हैं, इन सब से जुड़े हुए जो लोग हमारे यहाँ से जो बच्चे चले गए हैं, हम देखते हैं कि कई कई समस्याएँ हैं ही हैं और इस कार्यक्रम के या इस प्रकार के कार्यक्रम से होता यह है कि लोगों को यानी कि जो असंगठित क्षेत्र से जो भी मजदूर हो रहा था उन्हें अपने अधिकारों का पता हो सकता है कि हाँ हमें ये अधिकार हैं और हम इन फायदा इस चीज़ से यह फायदा ले सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं इससे पहले ग्रामीण क्षेत्र में था और कोरोना के समय ये सारी समस्या आई, जब से हमने देखा कि हमारे यहाँ से भी काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए जिनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, जो लगभग लगभग जो पढ़े लिखे थे कोई ड्राइवर था कोई और कर्मचारी वगैरह थे उनको नई नौकरियाँ और नई काम तलाशने पड़े और वहाँ हमने संस्था किसी कारण क्योंकि आंचलिक शिक्षा संस्था है तो इसके अंतर्गत कई स्कूलें चलती हैं तो हमें फिर नए मुकाम या नए काम के तलाश में हमें दूसरी जगह देखना पड़ा और उन लोगों को देख के हमको भी परेशानी होती है कि और हम कुछ कर नहीं पाते। सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है जब आपको पता है कि समस्या है लेकिन ऐसी समस्या के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप खाने पीने की कोई व्यवस्था हो जाए या संस्था से मिलते उनके लिए महीने भर का राशन पानी है, इस प्रकार से सेवा हमने हमारे यहाँ के कर्मचारियों को जो जो हमसे जुड़े हैं जिनको हम पहचानते हैं ऐसे वगैरह के लिए भी हमने किया, पर इस प्रकार के कार्यक्रमों को देखकर हमको भी थोड़ा उत्साह मिलता है और उनको भी थोड़ा ये लगता है कि वह जो ठीक है ऐसी संस्थाएं हैं जो काम तो कर रही हैं और इससे काफ़ी लाभान्वित भी होगी और इसका सबसे ज़्यादा परिणाम अगर देखें और इससे ज़्यादा यानी कि ये कहें कि असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले मजदूर हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो आते हैं उनकी परेशानियाँ थोड़ी ज़्यादा होती हैं क्योंकि सही मायने में मार्गदर्शन करने वाला कोई मिलता नहीं है और ऐसे समय में होता ये कि एक सादा उदाहरण भी दें जैसे भी सर ने कहा आंसर ने भी कहा कि जो कामगार जैसे कहते हैं कारखाने में काम करने वाले हैं या मजदूरी पे जाने वाले जो लोग हैं उसमें देखते हैं कि महिला भी काम वही कर रही है पुरुष भी काम वही कर रहे हैं लेकिन उनको जो तनख्वाह मिलती है वो कहीं नहीं क्या होती है थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो वो चीज़ें भी देखने मिलती हैं और ऐसी समस्याएं सिर्फ उसी क्षेत्र में नहीं है, आप वहाँ आप कृषि क्षेत्र में जाओगे आप आसपास क्षेत्र में जाओगे या महिला है और वो टीचर क्षेत्र में भी पढ़ा रही है तो भी ये सारी समस्या आपको देखने के लिए मिल जाए। और एक और बधाई बात है कि हिंदी दिवस भी है और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम देखते हैं कि अगर समस्या है और वो समस्या हमको हमारी मातृभाषा में कही जाए तो हमको जल्दी समझ में आएगी। मैं अपने विचार हिंदी में रख रहा हूँ क्योंकि आप सबको हिंदी आती है, मेरे विचार में इसी भाषा में रख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप मेरे विचारों को इसी भाषा में समझेंगे, तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचलित करें और इसे बढ़ावा दें।
मैंने ये देखा है मेरे स्कूली अनुभव में कि ज्यादातर जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम में कोई नहीं। हाँ ठीक है, आगे इसको भी बात है, लेकिन आप सबको मेरा शायद इसमें थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है कि सर आप गलत भी हैं, हो भी सकता हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि संस्कार अगर आपको मिलेंगे तो वो मातृभाषा में ही मिलेंगे। आप संस्कार चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटा है या बेटी है वो तो ये यतीम आए तो उसके पैर छुए, इसको पानी पिलाए, ये सारी चीजें अगर आपको देखने मिलेंगी तो जो मातृभाषा में शिक्षा ले रहे हैं वो अच्छी तरीके से कर पाए। और ये काम अगर कोई भाषा कर सकती है तो वो हिंदी है, और ये हिंदी है जो हम असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी मजदूर हैं उनको जोड़े रख सकते हैं। और ये क्योंकि एक चीज है कि आप कहीं भी देख लो, अगर यहाँ पे अगर कोई इंग्लिश में बोलने लगता है तो शायद हमें किसी को भी समझ में नहीं आए, और जबकि हम ये आशा करते हैं कि मेरा बच्चा या मेरी बेटी इंग्लिश में ही पढ़े, इंग्लिश में ही सीखे, तो शायद हमारे विचार अधूरे रह जाए और उसे भी पता नहीं चलेगा कि उसे क्या करना है, हमें भी पता नहीं चलेगा कि हमें क्या करना है। तो इसलिए सबसे पहले हमारा ही कर्तव्य बनता है कि हम हिंदी को क्या करें, प्रचलित करें, बोलचाल की भाषा न रहकर ये नामकारी भाषा न रहकर राष्ट्र की भाषा, राजभाषा का जो दर्जा है वह राष्ट्रभाषा में बदल जाए, इसके लिए हमें महत्वपूर्ण काम करना होगा। फिर एक बार मैं आप सबका और यहाँ जो भी संस्था जो जुड़ी हुई है सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और मुझे यहाँ बुलाया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपका। ज्यादा धन्यवाद दीपक जी सेवावत साहब। अब हम सभी आज के जो मुख्य अतिथि महोदय हैं उनको सुनेंगे, उनके बारे में